नमस्ते, मैं डॉक्टर सूर्यकांत आपको जीवन आशा हॉस्पिटल में स्वागत करता हूँ। मेरे साथ डॉक्टर हार्दिक भी मौजूद हैं। आज हम बात करेंगे एम्पुटेशन के बाद दिव्यांग के अपने पाँव को कैसे केयर करना है और लिम फिटमेंट के बाद आर्टिफिशियल लिम लगाने के बाद जो भी केयर करना है उसके बारे में आपको थोड़ा सा टिप्स देंगे जो आपके डेली लाइफ में बहुत यूज़फुल होगा। तो पहले शुरू करते हैं एम्पुटेशन के बाद और लिम फिटमेंट से पहले जो केयर करना होता है। जैसे आपके पाँव को हमेशा साफ रखना है। साफ़ करने के लिए साबुन का इस्तेमाल ना करें क्योंकि साबुन हमेशा स्किन को ड्राई कर देता है। तो साबुन के बदले आप एंटीसेप्टिक लिक्विड यूज़ कर सकते हैं और हैंड वॉश यूज़ कर सकते हैं। अपने पाँव को हमेशा ऑयल मसाज करें ताकि स्किन आपका अच्छा रहे, हेल्दी रहे, जो कि लिम फिटमेंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर आप डायबिटिक हैं तो हमेशा अपने पाँव को साफ़ करने के बाद सॉक्स लगा के रखें। एंटीसेप्टिक सॉक्स, एंटीबैक्टीरियल सॉक्स बाज़ार में बहुत मिलते हैं, वो यूज़ करें ताकि फर्दर इंजरी आपको ना हो क्योंकि डायबिटीज़ में हीलिंग होने का बहुत लेट होता है। और हमेशा अगर आप बिलोनी अम्पुटी हैं तो हमेशा आपके घुटने को सीधा रखें, कभी बेंड करके बहुत टाइम तक बैठे ना। अगर आप एबोबनी अम्पुटी हैं तो हमेशा आपके जॉइंट को, जो भी एग्जिस्टिंग जॉइंट है उसको मोबिलाइज करें ताकि आपको कॉन्ट्रैक्चर डेवलप ना हो। कॉन्ट्रैक्चर बहुत बड़ा डिफिकल्टीज है, चैलेंज है प्रोस्थेटिक फिटमेंट के लिए। वो डेवलप होने के बाद प्रोस्थेटिक फिटमेंट बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर ऑलरेडी आप कॉन्ट्रैक्चर डेवलप कर चुके हैं तो फिजियोथेरापी कंसल्ट करें। अगर आपको झंझनाहट फील हो रहा है पाँव के नीचे या फिर आपको हाइपर सेंसिटिविटी लग रहा है, जैसे कि छूने पर बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है, तो आप हमेशा ऑयल मसाज करें और टैपिंग एक्सरसाइज करें। अधिक जानकारी के लिए हमेशा अपने फिजिशियन और फिजियोथेरापिस्ट से कंसल्ट करें। अपने आप कुछ बॉडी के साथ खिलवाड़ ना करें जो कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है प्रोस्थेटिक फिटमेंट के लिए बाद में। ये सब थे कुछ नुस्खे जो आपको फिटमेंट से पहले अपने आप केयर करना होता है। ज़्यादा कुछ जानकारी के लिए हमेशा किसी से कंसल्ट करें, एक्सपर्ट से कंसल्ट करें। और अभी पोस्ट फिटिंग के बारे में आपको डॉक्टर हार्दिक अधिक जानकारी देंगे। जी नमस्कार। तो जिन दिव्यांगों ने अपने पैर इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि सर ने बताया कि स्टंप को क्लीन रखें, साथों साथ उनके साथ दिए जाएंगे जो इनर सॉकेट है और सिलिकॉन लाइनर जिन दिव्यांगों को दिया जाता है, उन सभी व्यक्तियों को एंटीसेप्टिक लिक्विड से साफ रखना है और सोप साबुन वगैरह इस्तेमाल नहीं करना है। जो दिव्यांग पहली बार पैर लगवा रहे हैं उन दिव्यांगों के लिए एक चीज़ ध्यान में रखने वाली है, जैसे कि शुरुआत में उनको कम इस्तेमाल करना है, धीरे धीरे उसका यूज़ बढ़ाना है, जैसे कि हर हफ्ते में 1 से 1.5 घंटा ऐड करना है। अगर आप ऑयल या पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको उसके लिए गुनगुने पानी से पैर को साफ़ करना है, उसके बाद ही पैर को लगाना है। अपने पैर को इस्तेमाल करने से पहले अपने हाथ से एक बार ज़रूर चेक कीजिए कि अंदर कुछ निकुली चीज़ है या नहीं है। हमेशा प्रोसेसिस पहन रहे तभी एंटीबैक्टीरियल सॉक्स का इस्तेमाल कीजिए, जिससे अपने सॉकेट का और अपने स्टंप का ध्यान रखा जाएगा। एंटीबैक्टीरियल सॉक्स का इस्तेमाल करें अपने स्टंप के ऊपर, जिससे इन्फेक्शन से बचा जा सकता है। अगर आपको सूजन है तो उसके लिए क्रैप बैंडेज का ज़रूर से इस्तेमाल कीजिए। कभी भी प्रोसेसिस में कोई तरह की दिक्कत आ रही है तो खुद से कोई तरह का मॉडिफिकेशन ना करें और अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। तो ये थे कुछ नुस्खे दिव्यांगों के लिए फिटिंग से पहले और फिटिंग के बाद। मैं आशा करता हूँ कि ये टिप्स उनके लिए यूज़फुल रहेगा। थैंक यू।